दशहरे के बाद जो पूर्णिमा आती है उस दिन को हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा धरती पर अमृत की वर्षा करता है जो स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा है। इसीलिए इस रात को विशेष रूप से खीर बनाई जाती है जिसे चांदनी में रखा जाता है और बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आज हम बनाने जा रहे हैं उसे स्पेशल खीर को। 1 लीटर दूध है और ये 1 कप मखाना है जिसे हमने आधा आधा काट दिया है। 1/4 कप चूड़ा है, इसे भी हमने गीले कपड़े से साफ कर लिया है। 1 टीस्पून इसमें हमने घी डाल दिया है। इसे अच्छी तरह हाथ से मिला लीजिए कि घी पूरे में लग जाए। दूध को काफ़ी चलाना है, थोड़ा एक बार उबाल आने के बाद ही आपको इसमें मखाना डालना है। अभी थोड़ा एक बार उबाल आ जाने दीजिए। दूध उबल गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं। मखाने से मलाई वाली फीलिंग आएगी और जो हमने इसमें चूड़ा डाला है जिसे पोहा बोलते हैं उससे थिकनेस आएगी। पोहा जो है वो बाइंडिंग का काम करेगा। बनाते समय इसकी मलाई को एक साइड में करते जाइए क्योंकि मुझे 15 मिनट हो चुका है इसे घोटते हुए। देखिए एकदम ही पतला कम हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है और साथ ही साथ देखिए पूरा पक गया है। आपने मखाने की खीर खाई होगी, चूड़े की खीर खाई होगी, लेकिन ये स्पेशल खीर जो शरद पूर्णिमा पर बना रहे हैं आपने शायद ही खाई होगी। इसमें थिकनेस भी है, मलाई का इफेक्ट भी है और साथ ही साथ स्वाद भी है। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी और ये है 1/4 कप चीनी। चीनी अपने स्वाद के अनुसार आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आज मैं बना रही हूँ शरद पूर्णिमा के लिए, इसलिए एकदम सफ़ेद होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर गुड़ भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे 3-4 मिनट और चलाया हमने जिससे चीनी घुल जाए और आराम से खीर के साथ एक साथ हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज हो गया चीनी डालने के साथ और रेडी आपकी खीर। अब हम इसे बंद करते हैं गैस को। ध्यान रहे कि जब भी आप खीर बनाएंगे तो ठंडा होने के बाद और थोड़ी सी और भी गाढ़ी हो जाती है। और अब देखिए थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया आपका पिस्ता है, ये है बादाम, केसर से खुशबू भी अच्छी हो जाएगी। मिला दिया, थोड़ा सा हमने ऊपर से डेकोरेशन के लिए रख दिया, लेकिन अंदर भी मिलाना ज़रूरी है। और बस अभी से हमें करना है गार्निश।